आयनाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग देख रहे हैं, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग देख रहे थे. व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, दैट यू ऑलरेडी नो. नाउ आइसोमर्स आपके टू टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर. स्ट्रक्चरल आइसोमर बेसिकली स्ट्रक्चर और लिंकेज चेंज होता है, और स्टीरियो आइसोमर में 3D में ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप चेंज होता है और एंगल चेंज होता है. एंगल और ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप चेंजिंग, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर. स्टीरियो आइसोमर टू टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास हमने आयनेशन आइसोमर स्टार्ट किया था. सो स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 टाइप्स के होते हैं, आयनेशन, हाइड्रेट, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन. वन बाई वन करके हमें डिटेल में स्टडी करना. लास्ट क्लास में स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने देखा था. स्ट्रक्चरल आइसोमर में आयनेशन आइसोमर्स, आयनेशन आइसोमर्स के बारे में हमने क्या बताया था? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आयोन्स इन स्फीयर, that means if two suppose there are two coordination compounds and they are giving different ions in solution, then first and second compounds are called ionization, they are ionization isomers to each other, right? Last class maine aapko bataya tha, like yahan pe first two compound, ek hi compound hai, ek hi compound ke two different forms hai. First compound mein sulfate outside coordination sphere hai, second compound mein bromine out of sphere hai, bromide ion. तो फर्स्ट कंपाउंड को जब आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो सल्फेट आयन मिलेगा आपको, सेकंड कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करेंगे आपको ब्रोमाइड आयन मिलेगा. नाउ हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हिच वन इज फर्स्ट व्हिच वन इज सेकंड, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बेरियम क्लोराइड, एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं दोनों को. तो सेकंड फर्स्ट कंपाउंड में क्या होगा, आपको बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, बिकॉज सल्फेट आयन बेरियम 2+, यहाँ पे बेरियम 2+ के साथ रिएक्शन करेगा सल्फेट आयन और आपको बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा. एंड दिस वाइट प्रेसिपिटेट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फ्री सल्फेट आयन. सेकंड कंपाउंड में अगर आप BaCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कोई भी बेरियम सल्फेट वगैरह नहीं बनेगा, और अगर बेरियम सल्फेट नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलने वाला. रितेश गिरी करके कोई स्टूडेंट है क्या आपके क्लास में, किसी बैच में है क्या, PAB1 PAB2 विरार में कोई स्टूडेंट है क्या, रितेश गिरी करके? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या आप सभी को? रितेश गिरी करके कोई स्टूडेंट है क्या, PAB1 PAB2 विरार? सो सेकेंड कंपाउंड आपका BaCl के साथ रिएक्शन करने पे कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देने वाला है, राइट? सो वी कैन आइडेंटिफाई इफ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज, वी आर गेटिंग व्हाइट प्रेसिपिटेट, दैट मीन्स सल्फेट आपका आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा दैट मीन्स सल्फेट इज इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड को इस तरह से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन किया तो एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, फर्स्ट कंपाउंड कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा, सेकंड कंपाउंड एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेंगे तो AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट, AgBr है लाइट येलो प्रेसिपिटेट, बिकॉज यहाँ पे आपका Br आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ये आपका Ag+ Br- से AgBr वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो सॉरी येलो प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा. नाउ नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर डिस्कस करेंगे. सेकेंड वन इज हाइड्रेट आइसोमर. हाइड्रेट आइसोमर, सो हाइड्रेट आइसोमर्स बेसिकली दिस अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर ऑफ वाटर, दैट मीन्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ वाटर in coordination sphere and ionization sphere. There is exchange of water in coordination sphere and ionization sphere.
एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सपोज द एग्जांपल इज सी आर सी एल थ्री डॉट सिक्स एच टू, सपोज दिस इज द एग्जांपल। तो इस कंपाउंड के डिफरेंट आइसोमर्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। दैट मीन्स आपको क्या करना है, क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना है यहाँ पे, क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट 3 है राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर डबल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या बना सकते हैं आप, डिफरेंट आइसोमर्स क्या बना सकते हैं। एक तो आप सी ओ एच टू ओ सिक्स सी एल थ्री बना सकते हैं, सेकेंड क्या बना सकते हैं आप सी ओ एच टू ओ फाइव, एक सी एल आप इन साइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर कर देंगे, टू सी एल को बाहर रख देंगे, डॉट एच टू ओ कर सकते हैं। एक बार थ्री क्लोराइड बाहर होंगे, एक बार टू क्लोराइड बाहर होंगे। अब टू क्लोराइड बाहर होंगे तो एक क्लोरीन अंदर गया तो एक वाटर बाहर आना चाहिए, बिकॉज इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 मेंटेन रखना है। अदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, सी ओ एच टू ओ फोर सी एल टू डॉट सी एल डॉट टू एच टू, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। इन सभी के मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इजंट इट। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपके लिगेंड्स हैं उनको एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जस्ट बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चेंज होने वाला नहीं है। सो दीज ऑल आर आइसोमर्स टू ईच अदर। एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है सी आर एच टू ओ थ्री सी एल थ्री। सपोज हमने क्या किया, सभी क्लोरीन को हमने बाहर इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर कर दिया, तो ऐसे केस में क्या बनेगा, डॉट थ्री एच टू, इस तरह से बनेगा डॉट थ्री एच टू राइट। नाउ मुझे बताइए क्या लास्ट वाला पॉसिबिलिटी हो सकता है, लास्ट वाला पॉसिबल है, लास्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है क्या ये पॉसिबल है, ये बेसिकली आपका पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। इसे कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 दिख रहा है आपको, बट न्यूट्रल लिगेंड बाहर नहीं हो सकते, सभी न्यूट्रल लिगेंड बाहर नहीं हो सकते। बेसिकली होता क्या है कि अगर वाटर, ये जो वाटर होते हैं, ये वाटर क्या होते हैं, इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दीज आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए सपोज एक कैटायन है आपका, कैटायन और एनायन दोनों होना चाहिए। एक आपका एनायन है, लैटिस कैसे बनता है आपका, this is cation, this is anion, b minus is anion, a plus के साथ में b minus होगा, cation से anion attach होगा, anion से cation attach होगा। अब जो water molecule होते हैं, water molecule cation और anion के बीच में होते हैं, इस water molecule को पाई करने के लिए जो स्पेस यहाँ पे बच रहा है cation और anion के बीच में, इनमें water of crystallization fit होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्पेस में जाते हैं वाटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट में तो वन कैटायन है, इस तरह से बॉक्स बनेगा, थ्री प्लस और थ्री एनायन है, वन कैटायन थ्री एनायन, इधर आपका वन कैटायन टू एनायन, इधर वन कैटायन वन एनायन, तो इन सभी कैटायन एनायन के बीच में वाटर ऑक्यूपाई हो सकता है इस तरह से, बात समझ आ रही। बट इसमें अगर हम देखें तो क्या इसमें चार्ज कितना आएगा, आपको वाले कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा, बॉक्स के ऊपर जीरो चार्ज आएगा। दैट मींस इसमें कोई कैटायन और एनायन तो है नहीं, अगर कैटायन कैटायन एनायन नहीं है तो उनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस होता है वो हम यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं आ सकता, बात समझ में आ रहा है आपको। तो वाटर आपका अगर आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो उसके साथ एक कैटायन या एनायन जरूर होना चाहिए, अगर एक एनायन है तो कैटायन एनायन बनेगा। अगर सभी सीएल को आपने अंदर कर दिया इस बॉक्स,
हेलो स्टूडेंट्स, वाई सारा आप सभी को। तो मैंने ये बताया कि आपको अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो सभी न्यूट्रल लिगेंड बाहर नहीं हो सकते, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं हो सकते। अगर न्यूट्रल लिगेंड बाहर होंगे तो एक ही कंडीशन, उसके साथ कोई चार्ज लिगेंड भी बाहर होना चाहिए। ओनली न्यूट्रल लिगेंड कैन नॉट बी आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बिकॉज अगर केवल न्यूट्रल लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो इसके चार्ज जीरो होगा, तो इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैटायन एनायन के बीच में आपका वाटर मॉलिक्यूल फिट होता है, तो कैटायन एनायन नहीं है तो फिर आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर नहीं हो सकता। तो फोर्थ पॉसिबिलिटी आपका, फोर्थ जो आपने यहाँ पे आइसोमर लिखा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट मीन्स थ्री आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन सभी आइसोमर्स में क्या हो रहा है, इन सभी आइसोमर्स में वाटर का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। यहाँ पे आपके 6:0 का रेशियो है वाटर का, यहाँ पे 5:1 का रेशियो, 4:2 का रेशियो। तो अगर किसी कंपाउंड में इस टाइप के आइसोमर्स हैं कि वाटर के एक्सचेंज करने से आइसोमर्स बन रहे हैं, वाटर लिगेंड के एक्सचेंज करने से बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर इस टाइप के एक्सचेंज से आपको आइसोमर्स मिल रहे हैं तो दैट आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स। सो दीज आइसोमर्स आर बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर, राइट? Is it clear? There is exchange of water in coordination sphere and ionization sphere. Now, अब यहाँ पे इन water exchange करने से इनका color different होता है। Like अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन सभी compounds का different different color होता है। Like CO first जो यहाँ पे compound लिखा हमने, इसका color आपका violet होता है। This is violet color. Suppose this is first one. This is second one. Second compound का जो color होता है, that is light green. By exchanging the water, color will also be changed, right? Third one, dark green. So in sabhi compounds ka different color. So what is relation between these three, first, second and third? First, second and third, they have same molecular formula, but there is exchange of water between coordination sphere and ionization sphere, so they are called hydrate isomers. They are called hydrate isomers. Is it clear to all of you? Hydrate isomers. कलर डिफरेंट क्या हुआ उसके, अगर लिगेंड चेंज हुए, यहाँ पे 6 वाटर है, यहाँ पे 5 वाटर है, 8 Cl है, 4 वाटर, 2 Cl है, क्या सभी में एनवायरमेंट सेम है? क्या सभी में एनवायरमेंट सेम है? एनवायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो लिगेंड चेंज करने से, नेचर ऑफ लिगेंड चेंज करने से कलर चेंज होगा ना। तो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो T2G एंड EG लेवल का जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि सराउंडिंग यहाँ पे फर्स्ट में 6 वाटर है, सेकंड में 5 वाटर है, थर्ड में 4 वाटर है, लिगेंड चेंज हो रहा है ना। नेचर ऑफ लिगेंड चेंज होने से जो आपका वेवलेंथ होगा वो चेंज होगा, डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी, T2G लेवल एंड EG लेवल के बीच का जो गैप है वो चेंज होगा। गैप चेंज होने से आपका कलर डिफरेंट होगा, डिफरेंट लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी। नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंपाउंड अगर एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करें तो आपको यहाँ पे 3Cl- माइनस बाहर है, 3 मोल्स, 3Cl- माइनस यहाँ से बाहर निकलेंगे और 3Ag+ प्लस के साथ रिएक्शन करके 3 मोल्स ऑफ AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे। सेकंड कंपाउंड की अगर हम बात करें एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से तो 2 मोल्स AgCl का फॉर्मेशन करेगा। फर्स्ट थर्ड कंपाउंड आपका 1Cl बार है, ये आपका 1 मोल AgCl का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन की बात करें, इन तीनों का ही कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन की बात करें तो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में जो आपके वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वही वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो आपका लॉस नहीं होगा बिकॉज दे आर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड। सो वाटर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जो लूजली बाइंडेड है आयनिक बॉन्ड से, वो आपके लॉस होगा। तो फर्स्ट कंपाउंड में, फर्स्ट वाले कंपाउंड में कोई वाटर लॉस होगा क्या, वेट लॉस होगा क्या? अगर इस कंपाउंड का वेट एक्स है तो कोई वेट लॉस होगा? सपोज दिस कंपाउंड वेट इज एक्स, यहाँ पे क्या होगा, एक्स ही रहेगा, नो वेट लॉस, राइट? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल सभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। सेकेंड कंपाउंड में अगर इसका वेट x है तो x माइनस
ये 18 ग्राम, 18 ग्राम 1 मोल वाटर का लॉस होगा, x माइनस 18 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है, 1 मोल वाटर का लॉस होगा। और थर्ड कंपाउंड में क्या होगा, थर्ड कंपाउंड में 2 मोल्स वाटर का लॉस होगा, दैट मीन्स सपोज दिस इज x, तो x माइनस 36 हो जाएगा, x माइनस 36 ग्राम आपका। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच विल हैव मैक्सिमम वेट लॉस आफ्टर रिएक्शन विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सो क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? द कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाटर है, 1 मोल वाटर है, 18 ग्राम लॉस, राइट? सो इस तरह से आपका वेट लॉस है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So we can write one note point, concentrated sulfuric acid acts as dehydrating agent, that is it absorbs water only which are present, outside coordination sphere. Which are present outside quadrations. Sir, ये भी एक टाइप का ionization isomer होगा ना? Ionization isomer? नहीं, ये ionization isomer नहीं है, because इन सभी में ions तो same ही मिलेंगे ना? First में chloride ion मिलेगा, second में भी chloride ion मिलेगा, third में भी chloride ion मिलेगा। इसको ionization isomer नहीं बोलते। Ionization isomer में क्या था? Ions different produce हो रहे हैं। क्या इसमें ions different produce होंगे? नहीं सर, सभी में आयंस सेम ही है। आयनाइजेशन आइसोमर में क्या बोला था मैंने, आयंस डिफरेंट प्रोड्यूस होंगे, लाइक यहाँ पे सल्फेट हो रहा था, इधर ब्रोमाइड, राइट? इसमें आयंस डिफरेंट है, यहाँ पे आयंस चल रहा है, सभी में आयंस सेम है, तो इसको आयनाइजेशन आइसोमर नहीं बोल सकते। इन सभी को हाइड्रेट आइसोमर बोलेंगे, बिकॉज दीज आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। वाटर का एक्सचेंज किया हमने, वाटर का एक्सचेंज किया कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में। क्लियर? हाँ सर। तो नेक्स्ट पॉइंट, सपोज हम लोग इस तरह से बात करें, रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ और रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम टू कॉलम्स इस तरह से बनाए, रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, जो फर्स्ट कंपाउंड है आपका, तो किस रेशियो में रिएक्ट करेगा विद सिल्वर नाइट्रेट, इन विच मोलर रेशियो दे विल रिएक्ट? वन मोल ऑफ कंपाउंड रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट? How many moles of silver nitrate? 1 mole compound में 3 moles Cl minus मिलेंगे और 3 Cl minus 3 Ag+ के साथ reaction करेगा। That means 1 mole of the compound 3 moles silver nitrate से react करेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ratio क्या हो जाएगा? 1:3 का ratio होगा। Is it clear? 1:3 का, 1 mole of compound reacts with 3 moles of silver nitrate. Second compound, 1 mole of compound 2 moles Cl minus को produce करेगा, 1 mole of compound 2 moles of silver nitrate से reacts करेगा, यहाँ पे 1:2 का ratio लगेगा। Last वाला compound, 1 mole compound 1 Cl minus produce करेगा, 1 Ag+ से reaction करेगा, 1:1 का ratio में reaction होगा। Reaction with sulfuric acid अगर हम देखें, तो फर्स्ट में हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट में 0 मोल ऑफ वाटर लॉस, 1 मोल ऑफ वाटर लॉस, सेकंड में आपका, थर्ड में 2 मोल ऑफ वाटर लॉस। यहाँ पे आप बोल सकते हैं 0 मोल वाटर लॉस, 1 मोल वाटर लॉस, 2 मोल वाटर लॉस बाय सल्फ्यूरिक एसिड, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
एक बार चेक कर लीजिए, आप सभी को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? लास्ट वाली ओके। नेक्स्ट आइसोमर हम लोग देखते हैं, थर्ड टाइप आइसोमर। थर्ड टाइप आइसोमर इज लिंकेज आइसोमर। अब जैसा यहाँ पे नेम से पता चल रहा है, लिंकेज का मतलब क्या है? डिफरेंट लिंकेज होगा। सो इसमें टू पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, सॉरी लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर आइसोमेरिज्म शोन बाय एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। आपका कार्बन भी डोनेट कर सकता है या नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। NO2 माइनस में भी ऐसा ही होगा, NO2 माइनस में आपका नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है या फिर ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। NCS माइनस में भी आपका नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है या फिर सल्फर डोनेट कर सकता है। ये सब भी क्या है आपके? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। सो एम्बिडेंटेड लिगेंड मेटल से जो कनेक्ट हो सकते हैं वो टू डिफरेंट डोनर एटम से कनेक्ट हो सकते हैं, वन एट ए टाइम। सो दिस अराइजेस ड्यू टू arises due to different linkage of ligand to metal, different linkage of ligand to metal. एक example लेके हम लोग समझते हैं। For example, CO NH3 5 NO2 Cl2. Suppose ये आपका complex है। इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो एक तो आपका लिगेंड है NO2, अमोनिया तो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, अमोनिया में एक ही डोनर एटम होते हैं, बट NO2 कैन एक्ट एज एम्बिडेंटेट लिगेंड। ये एम्बिडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है, एम्बिडेंटेट लिगेंड। इस तरह से लाइक NO2 में अगर हम देखें तो NO2 माइनस इस तरह से होता है, NO2 माइनस में नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है, मेटल M इज मेटल। तो जब नाइट्रोजन मेटल को डोनेट करेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्राइटो एन बोलते हैं, दैट मींस एन एन मींस नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम। एनओ माइनस में ऑक्सीजन भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ऑक्सीजन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो नाइट्रोजन भी मेटल को डोनेट कर सकता है या फिर ऑक्सीजन मेटल को डोनेट कर सकता है। अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन की लिंकेज है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नाइट्राइटो ओ बोलेंगे, जो हमने आईयूपीएसी में देखा था। नाइट्राइटो ओ इफ ऑक्सीजन इज द डोनर एटम एंड नाइट्राइटो एन इफ नाइट्रोजन इज द डोनर एटम। इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? सो एम्बिडेंटेड लिगेंड, द लिगेंड्स व्हिच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम्स बट कैन डोनेट वन एट ए टाइम, दैट मींस वन डोनर एटम विल बी यूज्ड एट ए टाइम।
सच लिगेंड्स आर कॉल्ड एलिगेंटेड लिगेंड्स। यहाँ पे मेटल की जो कनेक्टिविटी होगी या तो नाइट्रोजन से हो सकती है या फिर ऑक्सीजन से हो सकती है, तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस कंपाउंड की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो आपका कंपाउंड है इसके टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हैं, टू डिफरेंट आइसोमर्स बना सकते हैं। कोबाल्ट, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 अमोनिया, हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है आप सभी को? हाँ सर। यहाँ पे एक ही कंपाउंड है और एक ही कंपाउंड के आप दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में कोबाल्ट से नाइट्रोजन अटैच हो सकता है, सेकंड स्ट्रक्चर में कोबाल्ट से ऑक्सीजन अटैच हो सकता है। यहाँ पे मेटल के साथ जो लिंकेज है लिगेंड का वो डिफरेंट है, अगर आपसे पूछा है इन दोनों में क्या रिलेशन है फर्स्ट एंड सेकंड में, सो यू विल से दैट दीस टू आर लिंकेज आइसोमर्स टू ईच अदर, लिंकेज आइसोमर्स बिकॉज दे हैव आइसोमर्स बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे आर लिंकेज आइसोमर बिकॉज द कनेक्टिविटी ऑफ मेटल एंड लिगेंड इज डिफरेंट। सो सच टाइप ऑफ लिंकेज आइसोमर इज ओनली पॉसिबल इफ देर इज एटलीस्ट वन एम्बिडेंटेड लिगेंड। अगर सभी अमोनिया होते क्या लिंकेज आइसोमर हो सकता था? अमोनिया में तो दोनों एटम हाइड्रोजन ही होता है, हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब अगर और इफ ऑल आर अमोनिया मॉलिक्यूल्स देन लिंकेज आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। फॉर लिंकेज आइसोमरिज्म एटलीस्ट वन एम्बिडेंटेड लिगेंड शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज लिंकेज आइसोमरिज्म, व्हाट आर लिंकेज आइसोमर्स? सो लिंकेज आइसोमर्स आर शोन बाय एम्बिडेंटेड लिगेंड्स like CN minus, NO2 minus, NCS minus. Suppose CN minus होता तो आप क्या करते, एक बार मेटल का कार्बन से लिंकेज करते और एक बार मेटल का नाइट्रोजन से लिंकेज करते, तो आप डिफरेंट डिफरेंट लिंकेज मिल जाता आपको। NO2 minus में नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनर एटम होगा, NCS minus में डोनर एटम कौन होगा? एक बार आपका नाइट्रोजन डोनर एटम हो जाएगा और एक बार आपका सल्फर डोनर एटम हो जाएगा, तो आपको मेटल से डिफरेंट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो आप बोलेंगे लिंकेज आइसोमर था। Arises due to different linkage of metal to ligand. Sir, आपका voice break हो रहा है थोड़ा थोड़ा। Clear? वॉइस आ रहा है क्या आपकी क्लियर? हाँ सर।
वाइस आ रही है आप सभी को? हेलो स्टूडेंट्स, वाइस आ रही है क्या आप सभी को? हाँ ओके, अनम्यूट करके बताना। सो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम सपोज लिखना चाहें तो फर्स्ट कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे आप? व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड? यहाँ पे लिंकेज डिफरेंट है, तो लिंकेज अगर डिफरेंट है तो किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज डिफरेंस इन आईयूपीएसी नेम? तो फर्स्ट कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे? पेंटा एमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पेंटा एमीन, फाइव अमोनियम मॉलिक्यूल्स हैं, पेंटा एमीन। देन नाइट्राइटो एन बोलेंगे आप, नाइट्राइटो NO2 माइनस इज कॉल्ड नाइट्राइटो, नाइट्राइटो एन। बिकॉज वाई एन, वाई वी हैव रिटन एन ईयर बिकॉज मेटल इज लिंक्ड विथ नाइट्रोजन ईयर, नाइट्राइटो एन। देन कोबाल्ट, व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कोबाल्ट? 3। एंड देन स्पेस लगाएंगे एंड क्लोराइड लिखेंगे। सेकेंड कंपाउंड को क्या बोलेंगे आप? अदर थिंग्स विल रिमेन सेम, पेंटा एमाइन नाइट्राइटो ओ यहाँ पे बोलेंगे, नाइट्राइटो ओ बिकॉज यर मेटल इज लिंक्ड विथ ऑक्सीजन, राइट? नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ, कोबाल्ट, कोबाल्ट 3, क्लोराइड। सो दे हैव डिफरेंट लिंक, डिफरेंट लिंक विथ मेटल। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज एम्बिडेंटेट लिगेंड? What is linkage isomerism? Linkage isomerism is clear to all of you? Linkage isomers. Okay. Now suppose हम लोग एक example लेते हैं। Question is K4FeCN6. K4FeCN6 का हम example लेते हैं। और आपसे यहाँ पे पूछा है number of structural isomers. Number of structural isomers, how many structural isomers are possible? How many structural isomers of this compound are possible? This compound में यहाँ पे बताइए क्या इसमें कोई ambidentate ligand है? यहाँ पे जो CN minus है, CN minus एक ambidentate ligand होता है, क्योंकि अगर हम CN minus का structure बनाए तो CN minus कुछ इस तरह से होता है। CN minus में nitrogen भी डोनर, कार्बन भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच। जब आपका कार्बन डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा तो इसको साइनाइडो सी बोलेंगे, अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो साइनाइडो एन बोलेंगे। दैट इज यहाँ पे एम्बिडेंटेट लिगेंड है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एम्बिडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पे हमारा क्या पॉसिबिलिटी होगा? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लिंकेज आइसोमर हो सकता है, लिंकेज आइसोमर हम बना सकते हैं। नाउ आप कितने लिंकेज आइसोमर इसके बना सकते हैं? तो फर्स्ट कंपाउंड तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड कंपाउंड, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बना सकते हैं आप? K4FeCN5, 5 तो कार्बन वाले हो गए और एक नाइट्रोजन से लिंक करा दीजिए आप। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर फर्स्ट कंपाउंड में देखें तो सभी कार्बन से ही कनेक्टेड है, इसलिए CN लिखा हुआ है, सभी कार्बन से कनेक्टेड है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, एक इस तरह से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक आपका नाइट्रोजन, मेटल नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, एक मेटल नाइट्रोजन से बॉन्डेड बना दीजिए, बाकी सभी कार्बन से बना दीजिए। क्या इन दोनों कंपाउंड्स में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मेटल से कार्बन कनेक्टेड है, यहाँ पे मेटल से नाइट्रोजन कनेक्टेड है, डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। तो इन दोनों कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट ओनली डिफरेंस इज द लिंक विद द मेटल, मेटल कौन से एटम से लिंक है वो डिफरेंस है। क्या इन दोनों को आइसोमर नहीं बोल सकते हैं? बताइए मुझे, आइसोमर बोलेंगे ना? और किस टाइप के आइसोमर होंगे? लिंकेज आइसोमर होंगे। तो इसी तरह से और क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं आप? यहाँ पे सभी 6 कार्बन से डोनरेट, कार्बन डोनरेट, कार्बन से कनेक्टेड है मेटल, यहाँ पे 5 कार्बन, एक आपका नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इस तरह से और क्या बना सकते हैं आप? अदर पॉसिबिलिटी क्या बना सकते हैं आप? थर्ड आप ऐसा बना सकते हैं K4FeCN4, 4 कार्बन वाले और 2 नाइट्रोजन वाले बना सकते हैं,
फोर कार्बन टू नाइट्रोजन, यहाँ पे फाइव कार्बन से कनेक्टेड है और एक नाइट्रोजन से कनेक्टेड, यहाँ पे सभी सिक्स कार्बन से कनेक्टेड है मेटल। इस तरह से कितने बनेंगे बताइए मुझे, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, थ्री कार्बन थ्री नाइट्रोजन। टू कार्बन फोर नाइट्रोजन, तो इस तरह से आपके सेवन आइसोमर्स पॉसिबल है, सेवन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। And all seven structural isomers are, structural isomer में भी कई सारे isomer हैं, ionization है, hydrate है, coordination भी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपका जो structural isomer है, किस type के structural isomer है, linkage isomers। Is it clear to all of you? ये तो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात होगी, सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपके सेवन लिंकेज आइसोमर इज पॉसिबल। सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन इज PtCN होल ट्वाइस HCN होल ट्वाइस, दिस इज अ स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यू हैव टू फाइंड, टोटल हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, कैन यू टेल मी, हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2+2, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो दो पॉसिबिलिटी बनते हैं स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल। यहाँ पे आपको स्क्वायर प्लेनर बता दिया, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, प्लैटिनम 2+ के जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सभी स्क्वायर प्लेनर होते हैं, all complexes of platinum 2+ are square planar, this is experimental fact that you have to memorize, all complexes of platinum 2+ are square planar, right? So yahan pe kya possibility ho sakta hai bataiye, kitne possibility, yahan pe 2 minus hai, maine charge nahi likha tha, 2 माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 4, इधर आपके 4 नेगेटिव चार्ज है, या 4 माइनस 2 प्लस 2 आएगा इसके, प्लैटिनम का ऑक्सीजन स्टेट कितना है यहाँ पे, सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं यहाँ पे, प्लैटिनम का ऑक्सीजन स्टेट 2+ आ रहा है। नाउ इफ वी सी हियर द कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लैनर, दैट मीन्स देयर आर 4 लिगेंड्स एंड ऑल द लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, राइट? अब यहाँ पे दोनों ही लिगेंड की अगर हम बात करें तो CN- भी एम्बिडेंटेट लिगेंड है, एम्बिडेंटेट लिगेंड है, इसमें आपका मेटल से कार्बन डोनेट कर सकता है या फिर नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, और यहाँ पे जो HCN- है, HCN- भी एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है, दोनों ही एम्बिडेंटेट लिगेंड है, और HCN- में सल्फर डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि सल्फर के पास नेगेटिव चार्ज है, सल्फर डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है, सल्फर मेटल को डोनेट कर सकता है, साथ में नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जरूरत पड़ने पे नाइट्रोजन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दैट मींस HCN- थायोसाइनेट आयन, दिस इज कॉल्ड थायोसाइनेट आयन, सो साइनाइड आयन एंड थायोसाइनेट आयन बोथ आर एम्बिडेंटेट लिगेंड,
साइनाइड आयन कार्बन से डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, थायोसाइनाइड आयन सल्फर और नाइट्रोजन दोनों से डोनेट कर सकता है, बट वन एट ए टाइम, नॉट बोथ, वन एट ए टाइम। इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या होगी, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगे आपको बता सकते हैं आप? जैसे यहाँ पे मैंने 2CN लिखा है, तो एक बार मान लिया, सोच लेते हैं हम लोग कि इसको इन दोनों को फिक्स कर देते हैं, राइट, इन दोनों को हम लोग फिक्स कर देते हैं, दैट मीन्स CN आपका CN होल ट्वाइस हमने फिक्स कर दिया, इसको हमने फिक्स कर दिया, तो इन दोनों को आप HCN बना सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी हो गया। एक को HCN एक सल्फर के साथ लिंक कर दे और दूसरा नाइट्रोजन के साथ लिंक कर दे, या फिर दोनों नाइट्रोजन के साथ लिंक कर दे, राइट, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गए, 3 इधर हो गए। जब मैंने इसको फिक्स किया तो इधर 3 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, एक बार दोनों सल्फर से कनेक्टेड होंगे, एक बार एक सल्फर एक नाइट्रोजन, एक बार दोनों नाइट्रोजन। इसी तरह से जब इसको फिक्स करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, इस वाले में 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, बोथ कार्बन, वन कार्बन वन नाइट्रोजन, बोथ नाइट्रोजन। HCN होल ट्वाइस को फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे एक बार दोनों ही कार्बन डोनर एटम, एक कार्बन एक नाइट्रोजन और दोनों नाइट्रोजन, इस तरह से 3 इधर आ गए 3 इधर आ गए। बताइए कितने आइसोमर बनेंगे इस कॉम्प्लेक्स के, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 9 10। ओके 10 कैसे आएंगे बताइए, 10 बताएंगे कैसे आएंगे, 10 और 9 कैसे आएंगे, 9 कैसे बन गए, अनम्यूट करके बताइए 9 कैसे बन गए, 6 आ रहा है ना, बाकी के 3 किधर से आए, नाइन बताइए 9 कैसे आए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कितने आइसोमर बन सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स में, सर कॉम्बिनेशन में बनेंगे ना, मतलब कैसे एक जैसे कि एक CN आएगा जिससे C कनेक्टेड होएगा, एक से N कनेक्टेड होएगा, एक से H कनेक्टेड होएगा, एक से N, उस HCN में से ऐसे काफी बनेंगे, 3 और बन गए। नहीं यहाँ पे तो मैंने कर दिया ना, C और S का कॉम्बिनेशन ले लिया सर, एक बार आप CN और HCN दोनों को फिक्स कर सकते हो ना, मतलब आपने सिर्फ CN और HCN HCN को फिक्स किया, अगर आपने एंगल चेंज कर दिया तो वो स्टीरियो के अंदर आ जाएगा, आपने ऐसा बोला ना कि इधर आप एक CN कर दीजिए और इधर HCN कर दीजिए, यही बोला ना आपने? नहीं सर, उनको वही जगह पे रखने का, मतलब CN और HCN को फिक्स कर दो और उसके सामने जो CN HCN है उसको चेंज करो, मतलब उसको नाइट्रोजन से कार्बन कर दो, इसको ऐसा ही रहने दो, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं सर, जो नीचे के दो CN है और HCN है उन दोनों को वैसे ही रहने दो, और ऊपर का जो HCN है उसको N से रिप्लेस करो, मतलब S को। ओके, यहाँ पे NCS लगा दिया फिर? हाँ सर, वैसा वैसे भी बनेंगे ना, सोचे लग बनेंगे ना। हाँ ओके, कार्बन एंड नाइट्रोजन, हाँ ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कितने बन जाएंगे टोटल, 6 तो इधर बना दिए मैंने और प्लस 3 एक्स्ट्रा बन जाएंगे, राइट, टोटल कितने बन जाएंगे, टोटल 9 बनेंगे, राइट, 9 तो आपके स्ट्रक्चरल हो गए, 9 तो आपके स्ट्रक्चरल हो गए, प्लस अगर आपको सिस ट्रांस भी बोला होता, अगर एंगल चेंज करने की बात किया होता, जैसे नहीं ये सभी मैंने किस टाइप का बनाया, जब सेम साइड में होते हैं 90 डिग्री पे सेम ग्रुप्स होते हैं तो उसको सिस बोलते हैं, तो अभी आपके सिस है, इस टाइप के ट्रांस वाले भी पॉसिबल हो सकते हैं, बात समझ में आ रहा है, बट वो स्ट्रक्चरल में नहीं आएंगे, मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल बोला, तो आपके कितने बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। तो 3 आइसोमर्स हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट आइसोमर हम लोग लिखेंगे 4
कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोर्स लिखिए आप कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोलेशन और सर ऊपर वाले का फाइनल आंसर क्या था? नाइन नाइन आया सर। कैसे नाइन? देखो यहाँ पे सिक्स तो मैंने बना दिया ना। हाँ सिक्स, ये समझ में आया? हाँ सर सिक्स बना दिया आपने। हाँ बाकी आप इसको इसको चेंज कर सकते हैं ना, इन दोनों को फिक्स करके। और यहाँ पे एटम्स जो है डोनर एटम, इसको भी तो चेंज कर सकते हो आप। सल्फर की जगह पे यहाँ पे नाइट्रोजन लेके आओगे, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? सल्फर की जगह पे नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन भी आ सकता है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग थ्री एक्स्ट्रा बनेंगे, थ्री एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज आएंगे। तो सिक्स तो मैंने बनाया प्लस थ्री, इसको फिक्स करके अगर चेंज करोगे तो थ्री और बनेंगे आपके, तो टोटल नाइन बनेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले तो मेन बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैटायन एंड एनायन बोथ शुड बी कॉम्प्लेक्स आयंस। सो अराइजेस, दिस अराइजेस व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉम्प्लेक्स आयंस। दोनों ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल CO NH3 CR CN6, इस कंपाउंड में अगर हमने इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स किया है, हम लोग क्या करने वाले? इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स, दैट मींस इन दोनों में क्या करने वाले? लिगेंड्स का एक्सचेंज करने वाले। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा? कोबाल्ट का, अमोनिया तो न्यूट्रल है, यहाँ पे सिक्स यूनिट का नेगेटिव चार्ज बन रहा है। और ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग? सिक्स यूनिट का टोटल नेगेटिव चार्ज और हमारे पास टू मेटल्स है तो इक्वल पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं। तो थ्री इधर आएगा, थ्री इधर आएगा, तो दोनों का ऑक्सीजन स्टेट कितना हो जाएगा? थ्री एंड थ्री इधर आएगा। सिक्स नेगेटिव चार्ज को टू मेटल्स से डिवाइड किया, इक्वली डिवाइड किया, थ्री एंड थ्री आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले? लिगेंड्स का एक्सचेंज करने वाले। तो लिगेंड्स का एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे नेम तो चेंज होगा नहीं, आपका फॉर्मूला तो चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या बन सकता है आपका? सी आर एन एच थ्री फाइव, आप सी ओ कर दो, सी ओ एन एच थ्री फाइव, एक सी एन को हमने कोबाल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, सी आर सी एन फाइव एन एच थ्री। यहाँ पे हमने क्या किया? वन सी एन को इधर ट्रांसफर कर दिया, वन अमोनिया को इधर ट्रांसफर। यहाँ पे अमोनिया को पहले लिखना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एन एच थ्री देन आपका आएगा सी सी एन फाइव। इसी तरह से अदर पॉसिबिलिटी भी हो सकते हैं। एक बार आपने एन एच थ्री फोर कर दिया, सी एन ओल्ड ट्वाइस कर दिया, सी आर एन एच थ्री ओल्ड ट्वाइस, सी एन कोऑर्डिनेशन नंबर आपको सिक्स मेंटेन रखना है। इस तरह से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो ये बात समझ में आ रहा है? लास्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा? लास्ट वाला जो पॉसिबिलिटी आप लिखेंगे, इसमें आप क्या लिखेंगे? सी आर एन एच थ्री सिक्स, वन बाई वन करके सारे अमोनिया मॉलिक्यूल क्रोमियम से कनेक्टेड हो जाएंगे और सारे साइनाइड आयन कोबाल्ट से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो सी आर एन एच थ्री सिक्स सी ओ सी एन सिक्स, ये लास्ट वाला हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज ऑफ लिगेंड। तो टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे इस टाइप के? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर होने के लिए बोथ कैटायन एंड एनायन कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन है, एंड दीज आर फाउंड बाय, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आर फाउंड बाय इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स विद इन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। इंटरचेंज ऑफ लिगेंड, यहाँ पे हम अमोनिया को इंटरचेंज करते हैं, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, यहाँ पे एक बार इस तरह से आएगा, जीरो आ जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा। कितनी बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अगर हम देखें, लास्ट वाले में मैंने क्रोमियम को पहले लिखा है, क्या हम इसको पहले लिख सकते थे? जैसे यहाँ पे कोबाल्ट लिखा था, कोबाल्ट लिखा फोर थ्री टू वन, जब जीरो हुआ तो हमने अमोनिया को पहले लिख दिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं?
COCN6 CRNS36 क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा नहीं लिख सकते, ये करेक्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो वाटर में डिसोसिएट करने पे क्या बनेगा आपका? वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा CRNS36 3 प्लस COCN6 3 माइनस। और कैटायन इज ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट देन एनायन इज रिटर्न। अगर इस तरह से आपने कर दिया, यहाँ पे आपने एनायन को पहले लिख दिया, कैटायन को बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं करते। ऑलवेज कैटायन इज रिटर्न फर्स्ट लाइक NaCl, कैटायन इज रिटर्न फर्स्ट देन एनायन, Cl Na नहीं लिखते हैं कभी। तो हमने क्या किया, सिक्स लिगेंड से स्टार्ट किया, 1-1 अमोनिया को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं 6-5-4-3-2-1। जब आपका जीरो हो जाएगा पहले क्रोमियम वाले को पहले लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज कैटायन इज रिटन फर्स्ट, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा किया है। एनायन को पहले नहीं लिखते, नेगेटिव पहले पॉजिटिव लिखते फिर नेगेटिव आयन लिखते। सो इस टाइप के कितने, हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, फॉर दिस कॉम्प्लेक्स? हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आर पॉसिबल? ये सभी आइसोमर्स ही तो है, इन सभी का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लिगेंड एक्सचेंज करने से फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा। तो कितने आइसोमर्स बनेंगे बताइए? सिक्स बनेंगे ना, 1-2-3। इसी तरह से यहाँ पे आएगा 3-2-1, 3 and 3 सिक्स हो जाएगा, राइट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने कंप्लीट कर लिया। सर इसमें COONH3 और CN3 बन सकता है क्या? उसमें वो तो बनेगा नहीं, मतलब उसमें क्या बोल रहे हैं? COONH3 और CN3 NH3 होल थ्राइ CN होल थ्राइ, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। ओके, इसमें टोटल का जीरो हो जाएगा ना, तो फिर एक टाइम नहीं, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं, चार जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है, नहीं चार चार जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका चार जीरो हो गया ना तो फिर ये किस्त ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे फिर, क्योंकि आपका कैटायन और नायन के बीच में कुछ चार्ज होना चाहिए तभी एग्जिस्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? यस। तो अगर आपका चार जीरो हो गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको आप एक्सक्लूड करना है आपको। बिल्कुल सही बोला आपने। लेक्चर का टाइमिंग क्या है आपका? सिक्स है ना? ओके ठीक है, अभी आपके पास टाइम है। हेलो सर। हाँ बताइए सर, ये ऊपर केस कैसे काउंट किए ये नहीं समझा सर। केस मतलब सर ऊपर वाले में जिसमें दो दो फिक्स करके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग? लिगेंड का एक्सचेंज कर रहा है, दैट मींस यहां पे मेटल सर, ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला। हां इसमें तो जिसका आंसर 9 आया था। हां सर ये वाला। इसमें क्या प्रॉब्लम सर? इसमें दो दो फिक्स क्यों किए? मतलब एक केस तो छूट ही गया ना जिसमें सारे चेंज हो गए, एक केस वो भी छूट गया जिसमें एक ही फिक्स रहेगा बाकी तीनों चेंज हो गए, खाली दो दो फिक्स करके। स्टीरियो वाले नहीं लेने, स्टीरियो वाले नहीं लेने, अभी स्टीरियो नहीं पढ़ाया मैंने, ओनली स्ट्रक्चरल बोला, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहा है। स्ट्रक्चरल का मतलब यह है एंगल नहीं चेंज करना है आपको। बात समझ में आ रहा है? अगर आपने एंगल चेंज कर दिया 90 से 180 कर दिया तो फिर वो ट्रांस बन जाएगा, हमें सिर्फ सिस वाले चाहिए, इसलिए आपका आंसर नहीं। सर ऐसे नहीं बोल रहा सर, यहाँ पे अपन ने दो तो फिक्स कर ही दिए, जैसे कि NC और NC फिक्स कर दिया और बाकी दोनों में वेरिएशन निकाले ना, तो एक ये केस तो मिस ही हो जाएगा हर बार कि जिसमें सारे अलग चेंज हो जाएंगे। नाइट्रोजन 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 ये बोल रहे हो? हाँ सर ऐसा भी केस, नाइट्रोजन 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 ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर यहाँ पे केस तो काउंट ही नहीं हो, थ्री में आ जाएगा ना वो केस, बाकी के जो थ्री है मैंने यहाँ पे बोला ना उसमें आ जाएंगे। यहाँ पे एक टू कार्बन आए एंड टू नाइट्रोजन आए, इधर आपके टू नाइट्रोजन टू सल्फर आए,
सभी नाइट्रोजन वाले, सभी नाइट्रोजन वाले इस थ्री में आएंगे, थ्री एक्स्ट्रा में। आप एक बार बना के इसको देखो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आप एक बार इसको ड्रॉ करके देखना, ठीक है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ओके? ओके बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, नाइन ही आएंगे, एक बार आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो वापस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ट्राई करो एक बार इसको, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर बेसिकली टू टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में डिफरेंस क्या होता है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो में, कि अभी तक जो भी हम लोग यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे, लाइक स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमने फोर पार्ट्स बताए थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के फोर पार्ट बताए। क्या इसमें आप एंगल कोई चेंज कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई एंगल वगैरह चेंज कर रहे थे अभी तक? नहीं, सिर्फ लिगेंड का एक्सचेंज कर रहे थे या फिर लिंकेज बदल रहे थे हम लोग, आयंस का चेंज कर रहे थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनेशन स्फीयर के अंदर, वाटर का एक्सचेंज कर रहे थे। क्या अभी तक हमने इन सभी में कोई एंगल वगैरह चेंज किया है क्या? थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई ओरिएंटेशन चेंज किया है क्या? ओरिएंटेशन नहीं चेंज किया है अभी तक हमने, कोई ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया। अगर आपने थ्री डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया, तो वो स्टीरियो आइसोमर के अंदर आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में कोई एंगल वगैरह चेंज नहीं होता है, सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनेशन स्फीयर, या फिर लिंकेज चेंज होता है। स्टीरियो आइसोमर में थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो एंगल है या फिर जो ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स है, ग्रुप्स का ओरिएंटेशन चेंज होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर? जैसे एक हम लोग सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर डिफरेंस क्या होता है। लाइक पीटी PTCN, PTCN whole twice, NH3 whole twice. इस कंपाउंड का अगर मैं आइसोमर बनाऊं, तो यहाँ पे आइसोमर क्या बना सकते हैं? एक तो मैं ऐसा बना सकता हूँ NC करके बना सकता हूँ आइसोमर। अगर आपको यहाँ पे बोला जाए व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंकेज चेंज हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर चेंज हुआ। क्या यहाँ पे कोई एंगल वगैरह चेंज हुआ है? पहले CN ये दोनों लिगेंड 90 पे थे, पहले ये दोनों लिगेंड कितने पे थे? 90 एंगल पे, अभी भी 90 एंगल पे है। चेंज क्या हुआ है? लिंकेज चेंज हुआ है, यहाँ पे कार्बन से लिंक था मेटल, यहाँ पे नाइट्रोजन से लिंक था। तो इस टाइप के इन दोनों में जो रिलेशन होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर से। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में लिंकेज चेंज होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनेशन स्फीयर के आपका बाहर और अंदर लिगेंड्स का एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई एंगल चेंज नहीं कर सकते। अगर एंगल चेंज किया आपने, ओरिएंटेशन चेंज किया, तो स्टीरियो आइसोमर बन जाए। जैसे अगर हम इसकी बात करें, अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने ऐसा लिखा, एक ऐसा भी आइसोमर बना सकते हैं। अगर मैं इस सी एन को यहाँ पे रख दू, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? बताइए, अगर मैं इस सी एन को इधर ले जाऊँ, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल चेंज हो गया, ओरिएंटेशन चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो कितने एंगल पे थे? पहले 90 डिग्री पे थे, अभी ग्रुप्स कितने एंगल पे हो गया? 180 डिग्री। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें एंगल या ओरिएंटेशन का चेंज हुआ है, बट फर्स्ट एंड सेकेंड आर, इसमें कोई एंगल का चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ लिंकेज का चेंज हुआ है, तो इनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं।
सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर? एंगल या ओरिएंटेशन चेंज हुआ तो आप स्टीरियो आइसोमर क्लियर? तो स्टीरियो आइसोमर टू टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एक बार इनका डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, complexes having same molecular formula but ligands having different position, ligands having different position. Different position means either bond angle will change or the distance between the groups will change. Bond angle or distance are geometrical isomers to each other. Are geometrical isomers to each other. That means यहाँ पे bond angle में distance change हो रहा है। ये definition सही में आ रहा है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, suppose एक square planar complex है और इसमें एक बार A and A 90 degree पे है और सपोज ए ए बी बी है, ए बी बी ये आपके मोनोडेंटेट लिगेंड्स है और एक बार आपने ए ए को 180 डिग्री पर कर दिया तो एंगल आपने चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। दिस टू आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर को जी आई बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक और होता है ऑप्टिकल आइसोमर, तो इसके बारे में राइट कितनी बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपके सेम ग्रुप्स 90 डिग्री के एंगल पे, अगर सेम ग्रुप्स 90 डिग्री के एंगल पे तो उनको सिस बोलते हैं, सिस कॉन्फिगरेशन बोलते हैं, और अगर सेम ग्रुप्स 180 डिग्री के एंगल पे तो उनको ट्रांस बोलते हैं। अब सिस और ट्रांस, इसमें एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं सिस प्लेटिन का, सिस प्लेटिन का। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, देखो इधर आप सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं PtCl2 PtNH3 twice Cl2 PtNH3 whole twice Cl2। इस कंपाउंड के आप दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, एक एक स्टूडेंट ऐसा बना सकता है, आप इस तरह से बना सकते हैं कि आपने Cl Cl को एक साइड में कर दिया, NH3 NH3 को एक साइड में कर दिया, मीन्स दोनों Cl को 90 कर दिया, या दोनों Cl को आप 180 को कर सकते हो। एंगल चेंज करने से मॉलिक्यूलर फार्मूला तो चेंज होगा नहीं, तो आइसोमर्स तो है बट किस टाइप का आइसोमर है, एंगल चेंज हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने एंगल चेंज किया है तो एंगल चेंज करने से क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी या सेम रहेगी? केमिस्ट्री में ओरिएंटेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, मतलब जस्ट बाय चेंजिंग द एंगल, यहाँ पे 90 से अगर आपने 180 पे ले आया तो ये लाइफ सेविंग ड्रग से पॉइजन बन सकता है। ऐसे भी कंपाउंड्स देखे गए हैं जिसमें अगर आपने थोड़ा सा भी एंगल केमिस्ट्री में चेंज कर दिया, जो मेडिसिन वगैरह होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, जो हाई मॉलिकुलर वेट के पॉलीमर्स होते हैं, उसमें इवन अगर आपने स्मॉल एंगल भी चेंज कर दिया या एक ग्रुप आपका अपसाइड में उसको आपने डाउन साइड में ग्रुप को कर दिया, तो चेंज करने से एक लाइफ सेविंग ड्रग पॉइजन बन सकता है। केमिस्ट्री में एंगल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अगर सिस में है 90 डिग्री के एंगल पे तो इसको सिस बोलते हैं, इसको सिस प्लेटिन बोलते हैं, इस कंपाउंड को सिस प्लेटिन बोलते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट,
used for cancer. बट अगर आपने 180 पे कर दिया तो इसका कोई यूज नहीं है, नो यूज, नो मेडिकल यूज, राइट? इसका कोई भी यूज नहीं, बट दिस इज यूजलेस, राइट? तो इसका मतलब कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दोनों दिखने में सेम लग रहा है, लिगेंड सेम है, मेटल सेम है, जस्ट एंगल चेंज करने से इसकी कंप्लीट फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज आती है. इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, इन दोनों की सॉलिबिलिटी अलग अलग होगी. सॉलिबिलिटी मीन्स वाटर में कौन डिजॉल्व हो रहा है, कौन ज्यादा डिजॉल्व हो रहा है, कौन कम डिजॉल्व हो रहा है, सॉलिबिलिटी भी इनकी डिफरेंट होगी. इन दोनों का डाइपोल मोमेंट भी डिफरेंट होगा. दैट मीन्स अगर आपने एंगल चेंज किया, ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, ये दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड हो चुके हैं. क्या ये बात समझ में आ रहा है? सो एंगल का, ओरिएंटेशन का केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. अगर आपने थोड़ा सा भी एंगल चेंज किया तो वो कंपाउंड, जैसा अभी मैंने आपको बताया, लाइफ सेविंग ड्रग से पॉइजन बन सकता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट कंपाउंड का मेडिकल यूज है, सेकेंड कंपाउंड का कोई भी यूज नहीं है. दोनों का डिफरेंट मल्टी पॉइंट, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट एल्कोहल. So what is relation between these two? They have same molecular formula, but different orientation in space. In first, the two same groups are present at 90 degree. In second, same groups are present at 180 degree. So they are called cis or trans. This is called cis configuration. This is trans configuration. And the relation between them is geometrical isomers. They are geometrical isomers to each other. Complexes having same molecular formula, but ligands having different position. Position of ligand is different. We are 90 degree, we are 180. Such type of isomers are called geometric isomers. क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी students? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. मैं आपको नोट सेंड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं. सो हाँ सर, पेज नंबर 126 में, पेज नंबर कौन से, मेरे नोट्स की बात कर रहे हैं? सर आपके नोट्स में, अभी जो हम लोग ने पढ़ा वही. हाँ बताइए, 126 की तरह. ओके हाँ सर, जो हम लोग ने लास्ट वाला जो केस किया है वो पॉसिबल क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम लास्ट वाला केस? हाँ इसकी बात कर रहे हैं आप, इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें क्रोमियम के ऊपर, जो क्रोमियम वाला बॉक्स है इसके ऊपर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, कोबाल्ट वाला जो बॉक्स है इसके ऊपर 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि दोनों मेटल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कब आएगा? जब इसके ऊपर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा. दैट मीन्स इसका 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर 3 यूनिट का ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगा? 6-3, दैट मीन्स 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज. तभी तो आप करेंगे x-6=-3, तो x=+3 तभी तो आएगा. दैट मीन्स इसके ऊपर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, इधर 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है. अगर आपने इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले एनायन को लिख दिया उसके बाद कैटायन को लिख दिया. केमिस्ट्री में ऐसा नहीं करते, केमिस्ट्री में पहले कैटायन को लिखते हैं उसके बाद ही एनायन को लिखते हैं. बात समझ में आ रहा है? सो जो पॉजिटिव चार्ज वाला बॉक्स है, पॉजिटिव चार्ज वाले बॉक्स को हमेशा पहले लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले बॉक्स को बाद में लिखते हैं, इसलिए हमने ऐसा बोला. हाँ सर, सर यस सर, थैंक यू सर. हाँ सर, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में स्टेबिलिटी सबका सेम है आइसोमर्स का?
हाँ स्टेबिलिटी सेम रहेगा, उसमें स्टेबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, स्टेबिलिटी सेम रहेगा क्योंकि हम लोग लिगेंड चेंज नहीं कर रहे ना। अगर सपोज हमने एक आपका मोनोडेंटेट होता, दूसरा बाइडेंटेट हो गया जिसमें रिंग वगैरह बन गया, तो उससे चेंज हो जाता बट स्टेबिलिटी आप ही सही, लिगेंड नहीं चेंज कर रहे। और एक हाँ बताओ, हाँ पहले बताओ डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर्स